हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। नथिंग इज इम्पॉसिबल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर वही आपको टाइप टूल के बारे में बताऊंगा। टाइप टूल में एक पहला वाला जो टूल है जिसका नाम है टाइप टूल, वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको एरिया टाइप टूल के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और ये यूज़ भी होता है कोई लोगो डिज़ाइन क्रिएटिविटी करने में, कुछ अलग सी डिज़ाइन करने में। तो समय गवाते नहीं है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता हूँ। नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कोई जैसे मैं एरिया टाइप टूल सॉरी ये जो है उसका नाम क्या है, इसका नाम है टाइप टूल। अब मैं एरिया यहाँ पे टाइप टूल ही लिख देता हूँ, टाइप टूल, फिर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे करने के बाद एक नई कोई शेप बना देता हूँ, जैसे मैंने ये बना दिया, ये इस तरह का डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये आपको पता है इसको बोलते हैं रिक्टेंगल टूल, इसमें है और राउंडेड टूल, तो ये राउंडेड टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, एरिया टाइप टूल। इसके अंदर जितना भी होगा सब इस तरह से दिखेंगे, ये इस तरह से ऐसे ऐसे बन के आएंगे। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई थिंक मेरी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं लिखता हूँ, देखता हूँ कुछ भी। नोट टू इलेक्ट नोट टू इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम कैन हैव द सेम वॉल्यूम फॉर द फोर क्वांटम नंबर्स। आई थिंक मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, फिर भी मैं लिखता रहता हूँ, कुछ न कुछ नॉलेज गेन करता हूँ आई थिंक। और अक्सर आप सोच रहे होंगे कि मैं केमिस्ट्री इस तरह ऐसे लिख रहा हूँ, और दूसरी चीज़ मैं वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, तो मैंने 12th तक पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो याद ही रहता है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कॉपी करने के बाद फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक और पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे एक और पेस्ट करता हूँ। तो ये दिख रहा है रेड कलर की यहाँ पे बॉक्स बनी हुई आ रही है। तो हाँ, आपको मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, देख रहे हैं। तो वो ये जो है इसी लाइन के बीच में ही आप जो लिखेंगे, जो आप बॉक्स बनाएंगे इसी लाइन के बीच में ही वो राइट होगा। जैसे हाँ, इसी पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो इसी पे एक बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया ऐसे, और ये रेड इसके मतलब ये जो रेड कलर का बॉक्स जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी और भी बहुत सारी लाइन है। अगर इसे आप ड्रैग करेंगे तो देख रहे हैं ये इस तरह दिख रहा है। तो मैं इसको फिर कंट्रोल ए, इस लाइन को लंबा नहीं बनाते हैं, ड्रैग करने के बाद इसको जो है, ये इलस्ट्रेटर मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, इसको सिलेक्ट होने में तो टाइम क्यों लग रहा है ऐसे, ठीक है। इस तरह से मैंने क्लिक किया। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हो ना, तो इसका डुप्लीकेट डुप्लीकेट इन द सेंस कि इसके अंदर जो भी राइट किया हुआ चीज़ है वो यहाँ पे दिख, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि आप जो है, जो भी यहाँ पे इसके अंदर जो भी चीज़ थी वो यहाँ पे आ गई, अगर डबल डबल क्लिक करने से। और यहाँ पे कुछ और मैं आपको सेव बना के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं ये बना दिया, ये आई थिंक वाइट होना चाहिए, और ये ब्लैक कैसे हो गया। ओके ओके इट्स ओके फाइन। फिर इस पे जाता हूँ और स्टार ले लेता हूँ, स्टार पे मैंने ऐसे इस तरह की डिज़ाइन बनाई। ओके सो नाउ स्टार में मज़ा नहीं आ रहा है दोस्त, फिर मैं इसे राउंडेड नहीं तो फिर इसे ले लेता हूँ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में अब मैं क्या करता हूँ, इसको टाइप टूल में जाके एरिया टाइप टूल, ओके यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने SDDDDDDD ऐसे कुछ टाइप करके मैं लिख रहा हूँ, देख रहे हैं। तो इसी के अंदर ये टाइप हो रहा है, इसके अंदर देख रहे हैं ये टाइप हो रहा है। अब मैं इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी देन कंट्रोल V V V V V एंड नाउ V, काफ़ी बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर का जो दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, इसके अंदर जो भी होंगे सारे आपको दिखेंगे। ये सेलेक्ट हुआ है, इसको इस तरह का, ठीक है। ऐसे करने के बाद इसके ड्रैग करेंगे नीचे, तो जितने भी होंगे सब यहाँ पे दिख जाएंगे आपको।
इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कुछ अलग से क्रिएटिवली आप बनाइए, बढ़िया चीज़ें आप बनाइए और इस पर कुछ राइट कीजिए। ये देख रहे हैं थोड़ा सा कोई भी लेटर लिखना हुआ, मतलब लेटर मतलब लेटर मतलब गर्लफ्रेंड को लेटर लिखना नहीं, तो इस तरह का आप ऐसे डिज़ाइन करके बना सकते हैं, ऐसे लेटर कुछ अलग सा कुछ अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। ओके तो मेरा मतलब ये नहीं था कि गर्लफ्रेंड को भी लेटर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस था कि इस तरह का आप लेटर बना सकते हैं, ऐसे कुछ मतलब टाइप टूल यूज करने के बाद, ये जो है एरिया टाइप टूल इस टाइप का। अब नेक्स्ट में चलेंगे टाइप ऑन अ पाथ, टाइप ऑन अ पाथ पे वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो में बस इतना ही, तब तक हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। ओके सो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।